पांच राज्यों के हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के समय अपनी प्रचार सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राम भक्त हनुमान की जाति पर दिए गए बयान से शुरू हुआ राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बाद से जैसे बीजेपी नेताओं में हनुमान की जाति बताए जाने को लेकर एक होड़ मच गई हो। आए दिन कोई ना कोई नेता हनुमान जी की जाति और धर्म को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, जिसे तीन राज्यों में बीजेपी को मिली हार से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के विधायक बकुल नवाब ने हनुमान जी को मुस्लिम बता डाला, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके खिलाफ सूरत में शिवसेना ने बकुल नवाब का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना के उप प्रमुख राकेश वाघमारे, मजूरा विभाग प्रमुख धर्मेश तांदेलकर, उप विभाग प्रमुख जाफर देशमुख सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक मौजूद रहे और बकुल नवाब के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सूरत से महेंद्र पाटिल की रिपोर्ट।